नमस्कार, स्वागत है आपका NHICS के MPPSC प्लेटफॉर्म पे। हम लोग देख रहे हैं मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन और हम लोगों का जो पेपर 4 है वो चल रहा है। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। पहले अपने 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन अपने पास की अभिक्षमता की विशेषताएँ बताइए, है ना। तो पहली विशेषता है कि जन्मजात और अर्जित होती है अभिक्षमता। दूसरा है कार्य करने की उपयुक्तता होती है। तीसरा है आंतरिक सामर्थ्य को व्यक्त करती है। और चौथा है भावी क्षमताओं को बताती है। तो ये क्या है, ये अभिक्षमता की विशेषताएं होंगी। फिर है अभिक्षमता के प्रकार बताएं। तो पहला प्रकार होता है शारीरिक अभिक्षमता, दूसरा प्रकार होता है मानसिक अभिक्षमता, है ना। तो शारीरिक अक्षमता में क्या होता है, अभिक्षमता में होता है कि कार्य करने हेतु आवश्यक शारीरिक विशेषताएँ जिसमें पाई जाती हैं वो शारीरिक अभिक्षमता कहलाता है। और कार्य करने हेतु आवश्यक मानसिक गुणों का समुच्चय जब पाया जाता है तो क्या है, वो मानसिक अभिक्षमता कहलाती है। पहला क्वेश्चन है रुचि इंटरेस्ट जिसे अपन बोलते हैं, कि दिए गए विकल्पों की उपस्थिति में किसी विशेष के प्रति जो लगाव होता है उसे अपन इंटरेस्ट या रुचि बोलते हैं। अभिक्षमता और रुचि दोनों का होना सफलता की गारंटी, मतलब यदि आपकी रुचि भी उसी विषय में है और आप उसमें मेहनत भी करना चाहते हैं तो आप 100% सफल होंगे। यदि आप PSC की तैयारी कर रहे हैं और आपकी जो रुचि है, इंटरेस्ट है जो, वो भी PSC ही है, तो आप 100% सफल होंगे, है ना, ये गारंटीड है। फिर क्या है कि लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं क्या हैं। तो पहला है कि भाषा पर सूक्ष्म पकड़ होनी चाहिए। दूसरा है संचार एवं संप्रेषण का कौशल हो। तीसरा है उच्च तार्किक क्षमता। तो ये क्या है, ये लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं हैं। फिर है सत्यनिष्ठा व उसका महत्व। तो आंतरिक मूल्यों की व्यवहारिक अभिव्यक्ति, मतलब मन, है ना, वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा। तो ये क्या है, सत्यनिष्ठा है। आंतरिक मूल्यों की व्यवहारिक अभिव्यक्ति ही सत्यनिष्ठा कहलाती है। इसका महत्व है भ्रष्टाचार कम होगा, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण नागरिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी, है ना। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लंगर। तो लंगर क्या है, लंगर है सिख धर्म में सामाजिक समानता व एकता को धरातल पर लागू करने के लिए सबके साथ भोजन पंगत का चलन होता है। इसे लंगर व्यवस्था कहते हैं। शुरू किया था किसको, उन्होंने किया था गुरु नानक जी ने इसे शुरू किया था ना। और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा कि जो गुरु अंगद थे उन्होंने इसे क्या बना दिया था, इन्होंने इसे अनिवार्य बना दिया था, ठीक है। तो ये आप बताएंगे कि लंगर व्यवस्था के बारे में। फिर उदासी आ गया, कुछ क्वेश्चन आप ऐसे शब्द मिल जाएंगे आपको, है ना, तो आप लोग ध्यान दे रहे हैं कहाँ से क्या रिलेटेड है। उदासी है तो सिख धर्म के प्रधान गुरु गुरु नानक देव जी के द्वारा आडंबरों व पवित्र जीवन जीने अंधविश्वासों को दूर करने के लिए जो यात्राएं की गई थी, यात्राएं जो की गई थी वो क्या हैं, वही उन्हें ही उदासी कहा जाता है, ठीक है। फिर है साम्यवाद। साम्यवाद अपन बताएंगे कि प्लेटो के अनुसार सभी वस्तुओं, स्त्री, संपत्ति, परिवार पर सभी का सामूहिक अधिकार ही साम्यवाद है। आप जानते हैं समाजवाद क्या होता है, मतलब सभी का अधिकार, है ना, सभी का अधिकार। तो यहाँ पे क्या है, साम्यवाद है, तो वही चीज़ है, मतलब समाजवाद की चरम परिणति जो होती है वही साम्यवाद कहलाती है, ठीक है। तो आप ऐसे बताएंगे उसको। फिर क्या है, फिर है अपना कि सर्वोच्च सुख। तो प्लेटो के अनुसार जो व्यक्ति सभी प्रत्ययों को जानता है वह इनके मध्य उत्पन्न द्वंद्व में ना पड़कर इनमें सामंजस्य स्थापित करता है, यही प्राप्ति क्या है, सर्वोच्च सुख कहलाती है। मतलब अपने अंदर जो क्या है, न्याय है ना, विवेक है ना, तो ऐसे जो गुण हैं उनके मध्य द्वंद्व ना उत्पन्न हो, उनके अंदर सामंजस्य स्थापित कर ले, तो वही क्या है, वही सर्वोच्च सुख है। प्रत्ययवाद, तो प्लेटो के नीति मीमांसा का आधार क्या है, प्रत्ययवाद है। और इनमें शामिल क्या क्या है, न्याय है, संयम है, साहस है, विवेक है। जो मैं बात कर रहा सर्वोच्च सुख, तो जब न्याय, संयम, साहस और विवेक जब के मध्य जब आप क्या कर लें, आप सामंजस्य स्थापित कर लें, तो वही क्या होता है, वही सर्वोच्च सुख कहलाता है। अगला प्रश्न अपना है, ये 5 मार्कर है अपने पास, कि प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा पर टिप्पणी। अपन ने पिछले उसमें देखा था प्लेटो का क्या था, न्याय सिद्धांत था। ये क्या है, प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा है। अपन बताएंगे कि प्लेटो के अनुसार राज्य का निर्माण किसी वृक्ष चट्टान से नहीं हुआ है, अपितु उन मनुष्यों के चरित्रों से हुआ है जो वहाँ निवास करते हैं, है ना। तत्व तो क्या क्या है आदर्श राज्य के प्लेटो के अनुसार, न्याय है, शिक्षा है, साम्यवाद है और दार्शनिक शासक है। न्याय को सर्वप्रथम प्राथमिक मानते हैं, फिर शिक्षा को मानते हैं, फिर साम्यवाद को मानते हैं और फिर दार्शनिक शासक को मानते हैं। विशेषताएं क्या हैं आदर्श राज्य की, विशेषताएं कि दार्शनिकों द्वारा राज्य का शासन संचालित किया जाए, किसी अन्य के कार्य में हस्तक्षेप कर न्याय की अहस्तक्षेप कर न्याय की स्थापना की जाए, संपत्ति तथा परिवार का साम्यवाद हो, स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए जाएँ।
ये क्या होगा, ये उनके जो उनका राज्य था आदर्श राज्य उसकी विशेषताएँ हो गई। आलोचना क्या, आलोचना ये है कि दास प्रथा का समर्थन किया है उन्होंने। वो बोलते हैं कि यदि किसी राज्य में यदि दास हैं तो जो वहाँ का राजा है, वहाँ का जो शासक है, वो अपना जो समय है वो कैसे लगाएगा, वो प्रोडक्टिव कार्यों में लगा सकेगा, है ना। तो इसलिए क्या है, दासों का समर्थन करते हैं, स्वतंत्रता का निषेध है ना। अव्यवहारिक सिद्धांत है, उत्पादक वर्ग को शिक्षा की व्यवस्था नहीं की है उन्होंने। अतः प्लेटो का आदर्श राज्य व्यवहारिक कम आदर्शात्मक ज़्यादा प्रतीत होता है। अब जैसे ये आया क्वेश्चन आपको लाइन में नहीं हो पा रही, तो आप केवल आदर्श राज्य के तत्व लिख दें और विशेषताएँ लिख दें। अब लोग जो आलोचना है उसको आप रहने दें। अगला प्रश्न अपना जो आज का आखिरी प्रश्न है कि गुरु नानक जी के नैतिक विचारों पर टिप्पणी कीजिए। तो अपन बताएंगे कि गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु व संस्थापक थे। ये दार्शनिक, धर्म सुधारक और समाज सुधारक थे, है ना। ये अपन बता देंगे इसके उनके नैतिक विचार क्या क्या है। नैतिक विचार पहला तो यही कि समानता पर बल दिया गया, महिला पुरुष समानता की बात की गई, वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया गया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। फिर है कि मानवीय मूल्यों पर बल दिया गया, जैसे संतोष, दया, प्रेम, करुणा, इन सब की चर्चा करते हैं। फिर है सर्वेश्वरवादी विचारधारा, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के अनेक मार्गों का उल्लेख किया है, आंतरिक शुद्धता पर बल देते हैं। फिर है सामाजिक एकता स्थापित करने हेतु तो ये संगत, लंगर और सत्संग, है ना। संगत, लंगर और सत्संग का विश्लेषण किया और रूढ़ियों तथा आडंबरों का विरोध किया। अतः नानक जी ने सर्वधर्म संभाव के आधार पर सिख धर्म को स्थापित किया था, सर्वधर्म संभाव, है ना। तो ये अपन ने देखा, आज अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे हैं, है ना। आप ऐसे इनके अभ्यास करते रहें और आपको इस विन अपने जो अपना मूल ध्येय वाक्य है उस पर छोड़ के मैं जा रहा हूँ कि करत करत अभ्यास ते जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिर पर प्रत निशान। अभ्यास करते रहिए, डटे रहिए, है ना, और सफल हो जाइए, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।